वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका केमिस्ट्री और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए जिसमें आपका क्वेश्चन 8 है। अब तक हमने 1 से लेकर 7 तक एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो जो पहले अगर आपने नहीं देखे 1 से 7 तक, पहले उनको जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमारा 7th 8th क्वेश्चन है, पूछ रहा है डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना की विवेचना कीजिए। जो डीएनए अणु होता है उसकी द्विकुंडलीय, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताइए कैसा होता है, उसकी आपको विवेचना करनी है। और अथवा मैं आपसे इसी के आधार पर पूछ सकता है कि डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों कैसे हैं, सेम है। और अथवा कह रहा वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल समझाइए। तो ये तीनों आपके कैसे होगा, सेम। जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जो भी आप लिखोगे, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, तीनों में से कोई भी आ जाए, लिखना आपको सेम ही है, ठीक है। उसके बाद बी, और बी में आपका दूसरा पूछ रहा है कि डीएनए अणु के द्विकुंडलिनी की स्थिरता को समझाइए। ये अलग है आपका, ठीक है। ये तीनों आपके सेम है, पहला दूसरा तीसरा। और ये जो आपका दूसरा बी है, ऑप्शन बी वाला, ये आपका कैसा है, इन तीनों से अलग है। तो इसका आंसर आपको अलग लिखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इन तीन को डिस्कस करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। इन तीनों का आंसर कैसा है, सेम है, ठीक है। आंसर कैसा है, सेम है, ठीक है। एक ही आंसर लिखना है, और आपका कोई सा पूछ ले, एक ही आंसर लिखना है आपका, सभी क्वेश्चन जो है तीनों हो जाएंगे। ये जो आपका डीएनए अणु के द्विकुंडलिनी की स्थिरता को स्पष्ट कीजिए, ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के में हम केवल यही पढ़ेंगे, ठीक है। पहला दूसरा जो भी दे रखा है डीएनए का द्विकुंडली संरचना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। कह रहा है फ्रैंकलिन, कौन, फ्रैंकलिन तथा विल्कंस की खोज, किसने खोज की थी, फ्रैंकलिन और विल्कंस दो वैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है। फ्रैंकलिन तथा विल्कंस, इन्होंने खोजा था कि रोजालैंड, क्या, रोजालैंड फ्रैंकलिन, इनका पूरा नाम था रोजालैंड फ्रैंकलिन तथा कौन से, मॉरिस विल्कंस, ठीक है, मॉरिस विल्कंस, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा कि सन 1951 एंड 1953 में डीएनए के क्रिस्टलों, इनका क्या देखा था, डीएनए के क्रिस्टलों का एक्स किरण विवर्तन किया था, ठीक है, एक्स किरण विवर्तन किया था, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन इन्होंने किया था। इसके द्वारा विश्लेषण करके इन्होंने प्राप्त लगाया कि जो डीएनए का अणु होता है, ठीक है, उसकी रचना द्विसूत्री कुंडलनी होती है। कैसी होती है, द्विसूत्री कुंडलनी, ठीक है, कुंडल टाइप होगी और उसमें सूत्र कितने होंगे, मतलब दो सूत्र होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं द्विसूत्री कुंडलनी की तरह होती है, कह रहा जिनमें कि एक सूत्र के समाक्षार अणु दूसरे के समाक्षार अणु के पूरक, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के सामने होते हैं। ए के सामने क्या होगा आपका, टी, और जी के सामने आपका क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ए के सामने आपका क्या होगा, टी, और जी के सामने क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है। तो एक दूसरे के कैसे होंगे, सामने होंगे, और इसके ठीक सामने स्थिर तथा स्थित तथा इनसे जुड़े होते हैं, सामने स्थित होते हैं और इनसे जुड़े होते हैं। ए से क्या जुड़ा होता है आपका, टी, और जी से क्या जुड़ा होता है आपका, सी जुड़ा होता है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि आमने सामने, जो एक दूसरे के आमने सामने समाक्षर होते हैं, उनकी जोड़ियां चट्टे की जो आपका चट्टे की ईंटों की भांति होती हैं, ठीक है, जिन हम ईंटों का जो चट्टा लगाते हैं उसकी भांति एक दूसरे से आपका जुड़ा रहता है। मान लो ये आपकी पहली 20 वाली ईंटें हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ इस तरह से हम ईंटें रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम कुछ इस तरह से ईंटें रख देते हैं, फिर हम उसके ऊपर इस तरह से ईंटें रख देते हैं। तो चट्टे की जो ईंटें लगाते हैं हम, उनकी तरह होते हैं, कह रहा है एक दूसरे पर स्थित होती है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कुछ रखी होती है। और प्रत्येक की अक्षीय मोटाई, ठीक है, अक्षीय मोटाई कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्राम, ठीक है, या 0.34 नैनोमीटर। एंगस्ट्राम में लिखोगे 3.4 एंगस्ट्राम लिखोगे, और नैनोमीटर में लिखोगे तो 0.34 एंगस्ट्राम। कह रहा है न्यूक्लियोटाइड जो हमने पढ़ा था अभी, न्यूक्लियोटाइड एकलकों अर्थात मोनोमरों की प्रत्येक 10 जोड़ियों के बाद कुंडलनी में घुमाव आता है, कितने के बाद, प्रत्येक 10 जोड़ियों के बाद कुंडलनी में क्या आता है, घुमाव या ऐंठन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अतः प्रत्येक कुंडलनी की अक्षीय लंबाई कितनी होती है, 10
10 × 0.34 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितनी हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम, कितनी हो जाएगी आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है ठीक है, प्रत्येक कुंडल की अक्षीय लंबाई। जो ये कुंडल होगा आपका, मान लो यहाँ से शुरू हुआ तो जहाँ पर ये कुंडल आपका खत्म होगा यहाँ पर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होगी ठीक है। वाटसन एवं क्रिक मॉडल, अब क्या आ गया आपका, अब कौन आ गए, वाटसन और क्रिक आ गए, इससे पहले कौन सा था आपका, फ्रैंकलिन और विल्किंसन थे ठीक है, विल्किंस थे, अब कौन आया, वाटसन और क्रिक। इन्होंने क्या देखा, 1953 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में देखा कि डीएनए अणु की संरचना का ऐसा त्रिविम प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिससे तब तक ज्ञात सभी तथ्यों का समावेश हो गया। जिससे क्या हुआ, जब तक जो पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने जो जो तथ्य दिए थे उनका सभी का इनने क्या कर दिया, उससे समावेश कर दिया और प्रतिरूप के आनुवंशिक जैव रसायनी के नए युग की शुरुआत हुई या नए युग का शुभारंभ हुआ ठीक है। जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री का शुभारंभ कब से माना जाता है, 1953, जो कि किसने किया था आपका, वाटसन और क्रिक ने ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। अब क्या आ गया, कह रहा है विल्किंसन ठीक है, कौन, विल्किंस और वाटसन तथा क्रिक, ये तीनों आ गए ठीक है, विल्किंस वाटसन और क्रिक। डीएनए अणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, कब की बात है ये, डीएनए की संरचना ज्ञात करने के लिए 1962 में, कब, 1962 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, कब, 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसके लिए, डीएनए की संरचना बनाने के लिए ठीक है जी। में नोबेल पुरस्कार दिया गया वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत मॉडल की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं ठीक है, एक एक करके सबको देखना है। ये दिख रहा है, पहली विशेषता है इसकी, किसकी, विल्किंस वाटसन तथा क्रिक ठीक है, और कौन रह गया था, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत मॉडल, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर एक, कि दो परस्पर जुड़ी सर्पिल कुंडलिनी, दो परस्पर जुड़ी सर्पिल कुंडलिनी कुछ इस तरह से ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं या सूत्र एक ही केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त ठीक है, कैसा होगा, राइट हैंडेड हाफ क्लॉकवाइज स्प्रिंग की भांति ऐंठकर द्विकुंडलिनी बनाती है ठीक है, स्प्रिंग की भांति इस तरह से ऐंठकर आपकी क्या बनाती है, द्विकुंडलिनी बनाएंगी ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, 2 nm या 20 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा कह रहा है दोनों सूत्रों के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड एकलकों अर्थात मोनोमर के नाइट्रोजनीय समाक्षार आमने सामने और हाइड्रोजन बंधों ठीक है, किससे लगे रहते हैं, हाइड्रोजन बंधों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं ठीक है। जो नाइट्रोजन, जो आपके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं अर्थात एकलक होते हैं या मोनोमर होते हैं, किसके, नाइट्रोजनीय क्षारकों के, जो हम जो क्या पढ़ा था आपका, एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन ठीक है, जो क्या होते हैं आमने सामने होते हैं और ये हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं ठीक है। इसके बाद कह रहा है द्विकुंडलित, क्या, द्विकुंडलिनी की आकृति, द्विकुंडलिनी की आकृति ऐठी हुई सर्पिल सीढ़ी जैसी होती है, कैसी होती है, ऐठी हुई सर्पिल और किसकी तरह होगी आपकी, सीढ़ी जैसी होगी ठीक है। इसमें कुछ इस तरह के जो सीढ़ी में डंडे पाए जाते हैं उसी तरह से बीच में आपके क्या लगा रहता है, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंधों से ठीक है। कह रहा है एकांतरित, तो कुंडलिनी की आकृति कैसी होती है आपकी, ऐठी हुई सीढ़ी की तरह और कैसी होगी आपकी, सर्पिल होगी ठीक है, सीढ़ी की तरह सर्पिल, सीढ़ी किस तो समान होगी लेकिन कैसी होगी, जैसे सीढ़ी में आपके डंडे होते हैं एकांतर क्रम में, कुछ अंतर छोड़ के जो डंडे लगे रहते हैं वो एकांतर क्रम होता है ठीक है। अब डीएनए में क्या होता है, सीढ़ी के समान संरचना होती है लेकिन वही कैसी हो जाती है, थोड़ा दोनों सिरों को पकड़ के आप इनको अगर ऐसे ऐंठ दोगे ना तो इनमें कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट नजर आएगा कुछ इस तरह से ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका ऐसे सर्पिल और सीढ़ी के समान ऐठी हुई संरचना होती है ठीक है, किसमें, डीएनए में। कह रहा है एकांतरित, इसके ये जो डंडे लगे होते हैं आपके कुछ अंतर के बाद जो डंडे लगे होते हैं सीढ़ी में इस तरह से, और उनका कुछ भाग ये बाहर निकल जाता है ठीक है, कुछ भाग क्या होता है आपका थोड़ा सा बाहर निकल जाता है,
एकांतरित शर्करा तथा फास्फेट समूहों के फास्फोडाइएस्टर सेतुओं द्वारा जुड़ने से बनी दोनों सूत्रों की रेखाकार श्रृंखलाएं सीढ़ी के पार्श्व डंडों की भांति द्विकुंडलनी के बाहर की ओर, इसके द्विकुंडलनी के बाहर की ओर होती हैं। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी में ये क्या लगे होते हैं आपके डंडे, तो इसमें क्या होता है आपका शर्करा और फास्फेट समूह, शर्करा और फास्फेट, एक आपका क्या होगा शर्करा समूह होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका CH2OH, और क्या होगा CH2OH, और क्या होगा आपका दूसरा फास्फेट समूह होगा, शर्करा और फास्फेट, तो ये आपका क्या होगा शुगर हो गया, और फास्फेट क्या होगा आपका H3PO4, ये दोनों मिले होंगे, ठीक है। अब ये फास्फेट कहाँ पर लगता है, शर्करा के पांचवें कार्बन पे, ठीक है, तो ये वाला आपका पांचवा कार्बन है, यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, इस वाले कार्बन पे ये आपकी रिंग आ गई, ठीक है, ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, और ऊपर लग जाएगा आपका ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH और ये सिंगल बॉन्ड आपका OH, तो ये कुछ इस तरह से आपको शर्करा और फास्फेट के समूह जो है डाई फास्फो डाई एस्टर सेतु द्वारा जुड़ने से इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है आपका किसके बीच में, ये शर्करा का कार्बन होगा और ऑक्सीजन किसका होगा आपका फास्फेट का, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा फास्फो एस्टर बॉन्ड होगा, कौन सा होगा फास्फो एस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है, फास्फो एस्टर बॉन्ड होगा, ये दो इससे क्या होता है सेतु द्वारा जुड़ने से बनी होती है। इसके बाद कह रहा है कि जो श्रृंखला बनती है, ठीक है, रेखाकार श्रृंखला बनती है, अब ये जो श्रृंखला है आपकी इस तरह की रेखाकार वो किससे मिलकर बनी है, फास्फेट और शर्करा, ठीक है, शर्करा और फास्फेट दोनों समूहों से मिलकर बनी हुई है। अब इसमें क्या सीढ़ी के डंडों की पार्श्व डंडों की भांति, जो सीढ़ी के डंडे होते हैं जो हल्के से छोटे से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, उसी के समान डंडों की भांति द्विकुंडलनी के बाहर की ओर, अब ये जो द्विकुंडलनी है आपकी कुछ इस तरह से मान लो ऐसे इसके बाहर की ओर, ठीक है, कि जैसे ये डंडा बाहर निकला हुआ है ठीक उसी तरह से ये आपका कुंडलन है इसके बाहर की ओर, ये कुंडलन के बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर होता है, इसकी ओर होता है बाहर की ओर होता है, ठीक है। कह रहे जबकि हाइड्रोजन बंधों द्वारा आमने सामने के समाक्षरों की जोड़ियां, हाइड्रोजन बंधों द्वारा जिस तरह से इसमें सीढ़ी में आपके डंडे लगे रहते हैं उसी तरह से इसमें क्या होता है आपके जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ठीक है, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, वो क्या होते हैं हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। एडेनिन किससे जुड़ा होगा थायमिन से लगा होगा, और अगर हम बात करें ग्वानिन की तो ग्वानिन किससे लगा होगा साइटोसिन से लगेगा होगा, ठीक है। तो ये आपको पहले से बता रखा कि एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन से जुड़ा होता है, ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपका किससे जुड़ा होता है साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच रहते हैं और सीढ़ी के डंडे के जगह पर ये आपके कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है, एडेनिन थायमिन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का बंधों द्वारा जोड़ियों की सीढ़ी नुमा रचना के अनुप्रस्थ पगडन, ठीक है, होरिजोनटल, ठीक है, जैसे होरिजोनटल डंडे लगे रहते हैं इस तरह से होरिजोनटल वे में उसी तरह से लगे रहते हैं कि भांत पार्श्व डंडों के समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है, और दंडों को परस्पर जोड़ती है, किसको जोड़ते हैं ये दंडों को आपस में, जिस तरह से यहाँ पर है अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक, एक दूसरे से दोनों को जोड़ते हैं। स्पष्ट होता है कि दोनों सूत्रों को पृथक करने के लिए, यानी कि दोनों अलग करने के लिए जो आपके दोनों सूत्र हैं पहला और दूसरा, इन दोनों को अगर आप अलग करोगे तो क्या होगा, अलग करने के लिए पहले अणु का अकुंडलन आवश्यक होता है, यानी कि जो आपका पहला अणु है उसमें कुंडलन नहीं होना चाहिए, इस तरह से उसमें कुंडलन होता है तो पहले अणु में आपके इसमें क्या है कुंडलन नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। पहले अणु का अकुंडलन होना क्या होता है आवश्यक। इसके बाद देखो कह रहा है ए प्लस जी बराबर क्या है टी प्लस जी, ए क्या होता है आपका एडेनिन और जी क्या होता है आपका ग्वानिन, ठीक है, इसी तरह से टी क्या होता है आपका थायमिन और सी क्या होता है आपका साइटोसिन, तो ये क्या है आपका प्यूरिन है, दूसरा क्या है आपका प्रिमिनिन क्षारक है, ठीक है, तो प्यूरिन और प्रिमिनिन क्षारक दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और कैसे होते हैं समान होते हैं, ठीक है।
एडनिन थाइमिन से जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड द्वारा, और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, ठीक है। दोनों की एक एक यूनिट होगी। देखो ये आपको दिखाई दे रहा, यही संरचना है आपकी, ठीक है, कुंडलन संरचना, डीएनए की संपूर्ण संपूर्ण संरचना। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका कुंडलन है। क्या है? कुंडलन है, ठीक। ये कुछ इस तरह से आपके कुंडलन है, इसको बनाना सीख लो, ठीक है। ये आपको एग्जाम में बनानी होगी, जब ही आपको फुल मार्क्स जो है प्राप्त होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरह से अच्छे से बना देना है। और इसमें जो लिखने वाला है ये अभी आप समझ जाओगे बस क्या क्या लिखना है, ठीक है। ए बी सी डी में, ए बी सी डी मत लिख के भाग जाना, फिर ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो और डी लिखो। ये कुछ इस तरह से आपका द्विकुंडलनी संरचना है, यानी कि इसमें क्या है, द्विकुंडल है, ठीक है। एक कुंडल आपका ये है और दूसरा कुंडल आपका ये है, ठीक है। ये सूत्र होता है आपका 3 से 5, जब एक ये होगा तो दूसरा क्या होगा आपका 5 से 3, ठीक है। यहाँ क्या है 3 से 5, तो दूसरा क्या होगा 5 से 3 से 5 होगा, ठीक है। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो कुंडलन दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। दो कुंडलन है, एक पहला ये है और दूसरा आपका ये है। इसमें अगर हम बात करें जो आपके कुंडलन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अभी हमने देखा था कि किससे मिलके बने होते थे, हमारे शर्करा शुगर और प्लस क्या था आपका फास्फेट ग्रुप था, क्या था फास्फेट ग्रुप था, ठीक है। तो शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर आपका कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया OH, OH, H, H और आपका OH और H, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा आपका CH2 और OH, ये आपका हो गया शुगर, ठीक है, या राइबो शुगर या पेंटो शुगर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, ठीक है। अब इससे जो आपका फास्फेट ग्रुप लगा होगा H3PO4, क्या H3PO4, वो कहाँ लगा होगा, फिफ्थ वाले इस वाले कार्बन पे, ठीक है, फिफ्थ वाले कार्बन पे आपका लगा होगा। तो यहाँ लगने के लिए क्या चाहिए होगा इसको, ये जो ओ एच है ये ओ एच और H3PO4 का, H3PO4 का यहाँ से एक आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH ये क्या मिल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आपका आके इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, ये इस तरह से आपका आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका अटैच हो जाएगा, इस तरह से ये बहुत सारी श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं बनती हैं तब जाके इसका निर्माण होता है, ठीक है, एक कुंडलन का, ठीक है, इसका एक साइड का, ठीक है, तब एक रेखा का जाके आपका निर्माण होता है। इस तरह की बहुत सारी साइटें जब मिलती हैं तो एक ये जाके आपका बनता है। इससे क्या लगा रहता है आपका, ये साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडिनिन, जब हम इसमें अभी क्या बन गया, ये आपका क्या है शुगर और फास्फेट ग्रुप, क्या मिला हुआ है आपका शुगर मिला हुआ है और इसमें क्या मिला हुआ है फास्फेट ग्रुप मिला हुआ है, ठीक है। अब साथ ही इसमें क्या लगा रहेगा, एक आपका कोई भी नाइट्रोजन बेस, क्या लगा होगा, कोई भी नाइट्रोजन बेस आपका यहाँ पर इसमें आपका जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या होगा आपका OH होगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपका क्या लगा होगा, नाइट्रोजन बेस लगा होगा, नाइट्रोजन बेस के लगते ही ये क्या बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा आपका, ठीक। जब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे तो इसकी कुंडलन जाके पूरा होगा। अब देखो ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड का आपका सी मान लो आपका क्या है, साइटोन न्यूक्लियोटाइड है, थायमिन न्यूक्लियोटाइड है, एडिनिन एडिनिन है और क्या है आपका ग्वानिन, ये सभी क्या है न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी नाइट्रोजन क्षारक बेस है, ठीक है, क्या है नाइट्रोजन बेस है। अब ये नाइट्रोजन बेस किससे लगे हुए थे आपके शुगर से, ठीक है, शुगर के कार्बन से लगे हुए थे पहले कार्बन से। अब ये आपस में, ठीक है, एक क्या होगा, एक आपका होगा प्यूरिन का, किसका प्यूरिन का, प्यूरिन का नाइट्रोजन क्षारक होगा, ठीक है, और दूसरा किसका होगा आपका पिरिमिडीन का, एक किसका होगा प्यूरिन का, दूसरा किसका होगा आपका प्यूरिन का, ये दोनों आपस में
हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और एक आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपस में जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार सीढ़ी में डंडे लगे रहते हैं उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन बंधों द्वारा जो आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो एक दूसरे से मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इससे लगा हुआ मान लो साइटोसिन आपका क्या है, एडिनिन ग्वानिन, और साइटोसिन क्या है आपका, पिरिमिडीन क्षारक है, ठीक है, पिरिमिडीन क्षारक है, कौन आपका, साइटोसिन। अब साइटोसिन से पूरा जो आपका लगा होगा, साइटोसिन से जो आपका पूरा लगा होगा क्या होगा, एक तो शुगर होगा, क्या होगा, शुगर होगा, प्लस क्या लगा होगा, एक फास्फेट ग्रुप लगा होगा, ठीक है, फास्फेट ग्रुप लगा होगा, शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये कहाँ होंगे, ये क्या होंगे, जैसे डंडे के बाहर की ओर, ठीक है, ये जो श्रृंखला है रेखीय श्रृंखला है, इसके बाहर की ओर यहाँ पर लगे होंगे ये, ठीक है, शुगर और प्लस फास्फेट समूह, ये क्या होंगे, बाहर की ओर। जबकि उसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं आपके ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमिन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कहाँ होते हैं, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में आपके पाए जाते हैं, ठीक है, डंडे की बात। और ये कैसे होते हैं आपके, हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपकी क्या है, केंद्रीय एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये केंद्रीय अक्ष है, ठीक है, सीधी रेखा जो बीचों बीच से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस, केंद्रीय एक्सिस। अब देखो अगर एक कुंडलन की बात करें तो एक कुंडलन कब पूरा होगा, मान लो यहाँ से चला, अब लौट के मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये क्या है, सीधी लाइन, ठीक है, तो यहाँ से चला मैं ए से और कहाँ पहुँच गया, आप बी पे पहुँच गए, तो ये एक चक्कर आपका पूरा हो रहा है, ठीक है, एक चक्कर आपका कंप्लीट हो रहा है। तो मान लो यहाँ से चले, ठीक है, कहाँ से चले, यहाँ से चले, और यहाँ से चलते चलते आप कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आपका एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक चक्कर आपका पूरा हो गया। तो एक चक्कर यानी कि एक कुंडलन की लंबाई आपकी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं उनके बीच के कितनी दूरी होती है, वो कितने बीच के दूरी पर लगे होते हैं, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ग्वानिन, और दूसरा क्या है, साइटोसिन, इनके साइटोसिन, इनके बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूरा ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी पूरे स्ट्रक्चर की मोटाई कितनी होती है, पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका बना हुआ, इसके पूरे स्ट्रक्चर की मोटाई कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, या 0.2 nm होती है, ठीक है। तो इससे याद रखना, 2 nm, 0.2 nm, यानी कि इसमें कुंडलन कितने पाए जाते हैं, 2 कुंडलन पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो कि पूरे की मोटाई, डीएनए मॉलिक्यूल की पूरे की मोटाई कितनी होगी आपकी, 0.2 nm, 0.2 nm, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो कितना होगा, 20 nm, कितना, सॉरी 20 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है। इसके आगे क्या कह रहा है, अब हमने कुछ आगे जो हमने पढ़ा था अभी स्ट्रक्चर में, ठीक है, वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता, कह रहा है द्विकुंडलनी, जो भी हमने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखी थी उसको कहते हैं द्विकुंडलनी, का प्रत्येक कुंडल केंद्रीय अक्ष की 3.4 या 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई में होता है, कितनी एंगस्ट्रॉम लंबाई में होता है, प्रत्येक जो आपकी द्विकुंडलनी होती है उसका प्रत्येक कुंडलन यानी कि एक चक्कर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एक चक्कर होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में फैला रहता है। इसमें 10 जोड़े की समाक्षर होते हैं, कितने होते हैं, 10 जोड़ी समाक्षर होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं, 10 जोड़ी समाक्षर होते हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन, ठीक है, एडिनिन डबल बॉन्ड, थायमिन, इस तरह से ये कितने होते हैं आपके, 10 जोड़ी समाक्षर होते हैं, कह रहा है। अतः समाक्षरों की प्रत्येक जोड़ी केंद्रीय अक्ष, ठीक है, जो आपका केंद्रीय अक्ष होता है उससे कितनी लंबाई में फैली रहती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में फैली रहती है, ठीक है, केंद्रीय अक्ष से समाक्षरों की जोड़ी, समाक्षरों के प्रत्येक जोड़ी की लंबाई कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कुंडलनीकरण, ठीक है, कुंडलनीकरण यानी कि जो कुंडलनी बनती है इसे कहते हैं कुंडलनीकरण, के कारण डीएनए अणु की पूर्ण लंबाई में खंडवार एकांतरित दीर्घ, ठीक है,
खंडवार, एकांतरित, दीर्घ, जैसे कहते हैं मेजर, मेजर और माइनर दो चीजें होती हैं जो आपका ज्यादा होता है। मान लो कोई प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, ए बी सी ये आपके क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। अब इनसे मिलके अगर आपको क्या बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है ए प्लस बी, ठीक है, क्या बनाना है ए प्लस बी। अगर हमारा ए 90% बन रहा है, कितना बन रहा है 90% बन रहा है, और बी प्रोडक्ट आपका कितना बन रहा है 10% बन रहा है, ठीक है, तो जो ए प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे मेजर कहेंगे, ठीक है, और जो कम मात्रा में बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे माइनर कहते हैं, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर दोनों आपको याद रखना है, क्या होता है मेजर और लघु यानी कि माइनर। तो इसमें दो ग्रुप आपको देखने को मिले थे, एक क्या था आपका मेजर यानी कि दीर्घ, और दूसरा कैसा था आपका लघु, दोनों कैसे थे, ग्रुप को कहते हैं खांचे, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, खांचा कहते हैं। कह रहा गहराई की माप में दीर्घ खांचा कितना होता है, दीर्घ खांचा कितना होगा ये 1.2 nm का होगा, ठीक है, 1.2 nm। अगर गहराई की बात से देखें तो एक खांचा जो आपका दीर्घ खांचा है उसकी गहराई कितनी होगी 1.2 nm होगी, ठीक है, और अगर लघु खांचे की हम गहराई की बात करें तो ये कितनी होगी, उसकी आधी हो जाएगी 0.6, क्या हो जाएगी उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो हमारा दीर्घ खांचा होता है या मेजर ग्रुप होता है उसकी लंबाई गहराई कितनी होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम, और जो आपका माइनर होता है, ठीक है, माइनर ग्रुप होता है यानी कि लघु खांचा होता है उसकी आपकी लंबाई गहराई कितनी होती है 0.6 एंगस्ट्रॉम, 0.6 nm, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट कह रहा है आमने सामने के जोड़ीदार समाक्षर, कौन से, आमने सामने के जोड़ीदार समाक्षर में से एक सदा प्यूरीन, और इसका एक सदा प्यूरीन होगा और एक कैसा होगा प्रिमिडीन श्रेणी का होगा, एक कैसा होगा आपका प्रिमीन प्यूरीन, ठीक है, प्यूरीन, प्यूरीन में क्या क्या होता है आपका एडिनिन होता है, और क्या होता है ग्वानिन, और प्रिमिडीन में क्या होता है, प्रिमिडीन में क्या होता है बताइए, प्रिमिडीन में आपका क्या होता है साइटोसिन और थायमिन, क्या होता है आपका थायमिन और साइटोसिन। तो ये क्या होगा आपका हमेशा प्यूरीन का होगा, दूसरा किसका होगा पिरिमिडीन का होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, जो आमने सामने जोड़ीदार होते हैं समाक्षर उसमें एक सदा किसका होगा प्यूरीन का, और दूसरा किसका होगा पिरिमिडीन का होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कह रहे याद रखें दोनों प्यूरीन समाक्षर हो, क्या क्या होंगे एडनिन एवं ग्वानिन, क्या होंगे एडनिन एवं ग्वानिन के अणु समान माप, ठीक है, समान माप के होते हैं। इसी प्रकार दोनों पिरिमिडीन समाक्षरों, दोनों पिरिमिडीन के समाक्षर कौन से होंगे आपके थायमिन एवं साइटोसिन, कौन कौन सा होता है पिरिमिडीन का थायमिन और साइटोसिन, ठीक है, के अणु थायमिन और साइटोसिन के अणु समान माप के होते हैं। तो इन दोनों जो ये दोनों आपके जो नाइट्रोजन क्षारक हैं पिरिमिडीन और प्यूरिन, इनके दोनों के जो समाक्षर हैं, प्यूरिन का क्या होगा आपका एडिनिन और ग्वानिन, और थायमिन का क्या होगा आपका एडिनिन सॉरी पिरिमिडीन का क्या होगा आपका थायमिन और साइटोसिन। इन दोनों की माप की अगर हम बात करें अणुओं की, तो वो कैसे होगी समान माप होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई थोड़ा लंबा है कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो समान माप होगी इनकी। कह रहा परंतु एक ही बल है संरचना के कारण प्यूरिन अणुओं से छोटे होते हैं, प्यूरिन क्या है एक ही संरचना या एक ही बल संरचना के कारण प्यूरिन प्यूरिन अणुओं से छोटे होते हैं, अतः द्विकुंडलनी कि 20 एंगस्ट्रॉम की मोटाई को बनाए रखने के लिए प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन का और पिरिमिडीन के सामने प्यूरिन का होना आवश्यक है। जो आपके प्यूरिन अणु है वो कैसे होते हैं, एक ही संरचना के कारण प्यूरिन अणुओं से छोटे होते हैं, ठीक है। अब इस छोटे होते हैं तो क्या करना है, कह रहा है पिरिमिडीन, ठीक है, छोटे होते हैं तो द्विकुंडलनी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये बात याद रखना है कि प्यूरिन के सामने क्या आ जाएगा पिरिमिडीन, और पिरिमिडीन के सामने क्या आ जाएगा प्यूरिन क्षारक आ जाएगा, ठीक है, प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन और पिरिमिडीन के सामने क्या आ जाएगा प्यूरिन का होना आवश्यक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कह रहा है इसमें भी फिर हाइड्रोजन दाता यानी कि जो हाइड्रोजन देता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन दाता, और हाइड्रोजन ग्राही, जो हाइड्रोजन को ग्रहण करता है वो ग्राही, और जो हाइड्रोजन को देता है उसे क्या कहते हैं हाइड्रोजन दाता। समूहों के हिसाब से एडिनोन ए का समायोजन संयोजन सदैव थायमिन से, किसका एडिनोन का समायोजन किससे होगा थायमिन से होगा, ठीक है, तथा ग्वानिन का समायोजन सदैव साइटोसिन से होगा, यानी कि जी का समायोजन किससे होगा सी से ही संभव है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है,
जो आपका एडिनोन है वो किससे मिलेगा आपका जाके थायमिन से, जो कि क्या है, एडिनोन क्या है आपका प्यूरिन बेस है और थायमिन क्या है आपका पिरिमिडिन है, ठीक है। इसी तरह से ग्वानिन, ग्वानिन किससे मिलेगा जाके आपके साइटोसिन से, ठीक है। ग्वानिन सदैव साइटोसिन से ही संभव होता है, तो ठीक है इनको देखते हैं किस तरह से एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, संरचना है, तो इसमें आपका सब दे रखा है, एडिनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन कब कहाँ कैसे लगता है, ठीक है। तो ये है आपका कुछ स्ट्रक्चर। अब देखो इसकी अगर हम बात करें, जो अभी हमने रिंग पढ़ी थी उसमें क्या था आपका एडिनिन, ठीक है, थायमिन, फिर क्या ग्वानिन और साइटोसिन। अभी जो हमने द्विकुंडलन संरचना पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, द्विकुंडलन संरचना पढ़ी थी, इसमें क्या था ए डबल बॉन्ड टी कुछ इस तरह से और जी ट्रिपल बॉन्ड सी कुछ इस तरह से। तो यही है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, तो उसमें मान लो क्या था, यहाँ से एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, क्या है ये कुछ इस तरह से लाइन, मतलब सीढ़ी टाइप संरचना बन गई। इसी को थोड़ा क्या कर देना है, रोटेट कर देना है, ठीक है, स्ट्रेन कर देना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुंडलन इसमें भी पड़ जाएंगे जब आप इसको रोटेट कर दोगे। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर जो हमने देखा था ये क्या है आपका नाइट्रोजन बेस है, क्या है नाइट्रोजनस बेस, और ये भी क्या है आपका नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन यहाँ पर क्या है एडिनिन और यहाँ पर क्या है थायमिन। एडिनिन क्या है आपका प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है और थायमिन क्या है आपका पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो थायमिन हमेशा किससे मिलता है, एडिनिन से, और ग्वानिन हमेशा किससे मिलता है, साइटोसिन से मिलता है, ठीक है। और ये बात हमें पहले बता दिया गया है कि जो आपका एडिनिन है वो थायमिन से डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, किसके द्वारा, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बंध। इसी तरह से आपका ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन का आपका प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, और साइटोसिन आपका कैसा है, पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा तीन बंध बनाता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये कितने हैं, तीन, ठीक है, कितने हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि किसको जोड़ते हैं आपके, ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया आपके नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस किससे लगे रहते हैं आपके, शुगर से लगे रहते हैं, जो कि आपका क्या होगा, शर्करा होगा, ठीक है, पेंटोज राइबोज शर्करा हो सकता है, और क्या होता है आपका फास्फेट। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में हमने पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड आपके क्या क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बताओ न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा आपका, एक तो नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस क्या होता है आपका, प्लस इसमें क्या होता है, शुगर होता है, क्या होता है, शुगर। तो ये क्या होता है आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर, किसमें पाया जाता है आपका, न्यूक्लियोसाइड में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, किसकी, तो यहां पर लिख लो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियोसाइड होगा, तो न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर, यानी कि दोनों चीजें ये होंगी, प्लस क्या होगा, फास्फेट समूह। तो जो नाइट्रो, जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका क्या है, शुगर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस और शुगर, जो कि इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, प्लस साथ ही क्या रहता है इसमें, फास्फेट समूह, क्या रहता है, फास्फेट समूह रहता है। तो ये तीन चीजें मिलके क्या बनता है आपका, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर एक क्या है आपका, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है आपका, शुगर है, और ये क्या है आपका, फास्फेट समूह। तो तीनों चीजें मिल रही, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल किसका बन गया आपका, न्यूक्लियोटाइड का बन गया। तो यही न्यूक्लियोटाइड आपस में बहुत लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है आपका, एसिड का निर्माण होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड, जो कि आपका डीएनए और आरएनए हो सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या होता है, जो आपका पेंटोज शर्करा होती है जिसे राइबोज कहते हैं, उसमें से दूसरे पहले कार्बन यानी कि दूसरे कार्बन से जो ओएच लगा होता है, वहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और वहां पर क्या रहता है, ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है, केवल हाइड्रोजन रहता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है, सभी जगह जहाँ ओएच ओएच होता है वो पाया जाता है आपका, ठीक है, उसको कहते हैं राइबोज शर्करा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो ये क्या बन गया आपका, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं दोनों लंग, ठीक है, दोनों कुंडलनी से। अब वो दोनों कुंडलनी आपस में जब मिलती हैं, ठीक है,
दोनों कुंडलनी आपस में जब मिलती है तो वो किससे मिलती है, जो नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, एडनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, ये एक क्रम से लगे होते हैं, ठीक है, जैसे सीढ़ी में डंडे लगे होते हैं ना क्रम से, उसी तरह से ये भी आपके एक क्रम में लगे होते हैं, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ग्राही होता है, दूसरा कैसा होता है, हाइड्रोजन दाता होता है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, दूसरा क्या करेगा, हाइड्रोजन को देगा, दान करेगा, तो इसी तरह से इनके बीच में अल्टरनेटिव बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये इस तरह से आपका क्या बन जाता है, ये भी आपकी डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना एक दूसरे से पूरक तथा प्रति समानांतर सूत्रों की प्रति ध्रुवात्मक दिशाएं, एक दूसरे के क्या है, प्रति समानांतर, यानी कि अपोजिट है और समानांतर है, ठीक है, अपोजिट और समानांतर, ठीक है, एक दूसरे के सामने है और उनमें अंतर कैसा है, समान अंतर आपको देखने को मिलता है। ये जो आपका दिखाई दे रहा है सूत्र 5 और 3, इसका मतलब क्या है, ये फिफ्थ कार्बन होगा, ये क्या होगा आपका थर्ड कार्बन, इधर क्या है, ये क्या है आपका थर्ड कार्बन है, यहाँ पर क्या है आपका फिफ्थ कार्बन। अब ये जो थर्ड और फिफ्थ कार्बन की अगर हम बात करें तो इस वाले को ले लो, ये जो फास्फेट समूह आपका लगा हुआ है, और ये क्या है आपका शुगर है, क्या है शुगर, शुगर से एक क्या लगा हुआ आपका नाइट्रोजन बेस, दूसरा क्या लगा हुआ आपका फास्फेट समूह, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट समूह, तो इसकी अगर हम बात करें शुगर की, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और एक ये पांचवा कार्बन, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो फास्फेट समूह लगा है वो कौन से कार्बन से लगा हुआ है, पांचवें कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर अगर दूसरे शुगर की बात करें तो इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो इसमें हमें फास्फेट समूह कौन से कार्बन पर नजर आ रहा है, तीसरे कार्बन पे, ठीक है, और इसमें कौन से पे, पांचवें, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा 3 5, क्या हो जाएगा 5 3, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, यहाँ फास्फेट समूह पांचवें कार्बन से लगा है उसी शर्करा से, और एक फास्फेट समूह आपका तीसरे शर्करा तीसरे कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 5, क्या हो जाएगा 3 यानी कि तीसरे कार्बन से लगा हुआ है, 5 यानी कि पांचवें कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ना काउंट करके इसको काउंट किया जाएगा 3 4 5, तो ये आपका फिफ्थ कार्बन, यानी कि एक ही राइबोस से आपके दो फास्फेट ग्रुप लगे हों, वो कौन कौन से कार्बन पे लगे हों, वही उसका सूत्र कहलाता है, ठीक है, तो इसको ना काउंट करके इस वाले फास्फेट को काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये पांचवें कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 5 3, क्या हो जाएगा 5 3, जैसे कि आपने द्विकुंडलन में देखा था, ठीक है, किसमें देखा था, द्विकुंडलन में देखा था, फिफ्थ कार्बन था और क्या था थर्ड कार्बन, तो इसी तरह से यहाँ पर पता चलता है कि जो फिफ्थ कार्बन या थर्ड कार्बन है, कि फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या लगा रहा होगा, जो आपका फास्फेट समूह है, और इसके थर्ड कार्बन पे होगा, इसके फिफ्थ पे होगा, इसके थर्ड पे होगा, नीचे जाके ये पलट जाएगा, ठीक है, इसका क्या होगा थर्ड कार्बन, इसका क्या होगा फिफ्थ कार्बन होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका द्विकुंडलनी। इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो डीएनए के जो अणु होते हैं कैसे होते हैं, सिक्स कह रहा है डीएनए अणु के दो सूत्रों की शर्करा फास्फेट दंडों की ध्रुवात्मक, ठीक है, क्या है ध्रुवात्मक होगा, यहाँ पर ध्रुवात्मक, ध्रुवात्मक यानी कि पोलैरिटी, ठीक है, ध्रुव दो दिशाएं जिनमें अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन को दे सकता है या हाइड्रोजन को ले सकता है, तो वहां पर पोल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अगर जाएगा तो प्लस लेके जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो इस पर कैसा आ जाएगा माइनस का, ठीक है, पोलैरिटीज प्रतिमुख, प्रतिमुख में क्या होती है अपोजिट, ठीक है, ये आपका ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसी के समान उल्टा होगा, ठीक है, इसके सामने क्या होगा उल्टा होगा, ठीक है, अपोजिट होती है, एक सूत्र की दिशा 5 कार्बन से 3 कार्बन की ओर होती है, और दूसरे सूत्र की दिशा क्या होती है 3 कार्बन से 5 कार्बन की ओर, ठीक है, अभी हमने देखा था 5 कार्बन से 3 कार्बन की ओर, और दूसरे सूत्र की दिशा क्या होती है 3 कार्बन से 5 कार्बन की ओर होती है, ठीक है, इस प्रकार से सूत्र प्रति समानांतर यानी कि एंटी पैरेलल होता है, कैसा होता है उल्टा होगा लेकिन समांतर होगा, ठीक है, एंटी मतलब क्या होता है उल्टा लेकिन कैसा होगा समांतर होगा, ठीक है, कुछ उनमें अंतर होगा जिसके बाद वो एक दूसरे से अटैच लगे रहेंगे, ठीक है, मान लो पहला कहाँ पर यहाँ पर, फिर दूसरा कहाँ यहाँ, ऐसा नहीं पहला यहाँ दूसरा भी इसी में घुस गया, और ये तो समांतर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं एक दूसरे के प्रति समान, ठीक है, एंटी। तो ये तो था आपका आज का पहला, जिसमें हमने केवल क्या जाना था कि जो आपकी डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना थी उसकी विवेचना की थी,
और डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को जाना था। इसके बाद आपका बी है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसकी एक साइट है www.paperhacker.in पर अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। नोट्स, वीडियो वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को शेयर कर दें।